हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी के एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग, सब बढ़िया चल रहा है, कुशल मंगल। साधारण ब्याज पढ़ा रहा हूं तो इन्जॉय कर रहे हैं सब लोग, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी प्रकार की है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट पर भी आपका बराबर ध्यान चल रहा है, चाहे आपके जो जीएस का पोर्शन हो, रीजनिंग हो या इंग्लिश हो, सब पे बढ़िया तैयारी आपकी चल रही, करेंट अफेयर्स सारी बातें आप अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपने सीधे क्लास पर की बात करना शुरू कर देते हैं, चलिए टॉपिक पर आ जाएं। तो हम लोग अपनी क्लास में अभी आज कौन सी क्लास में लूँगा आपकी, 6 नंबर 6वीं क्लास आज आपकी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने अपनी 5 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं और आपने उन क्लासेस को देख लिया है, जिन्होंने नहीं देखा उसको कंप्लीट देख लेंगे। आज चलिए हम लोग बहुत अच्छे अच्छे सवाल होंगे जिनका लेवल बेहतरीन लेवल होगा, और उनमें से आज क्वेश्चन नंबर 34 से क्लास की शुरुआत होगी। तो ज़रा आप सभी लोग कापी और पेन निकाल लीजिए, फिर हम अपने काम को शुरू करें। तैयार हो गए सब लोग, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसी बात पर आज के लिए पहला क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं। तो साधारण ब्याज के अंतर्गत हम लोग अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 34, और इस 34 को आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए। लिखा है 4000 रुपये, यानी 4000। तो 4000 रुपये को दो भागों में, कोई बात नहीं, को दो भागों में ऐसे विभाजित किया जाता है, दो भागों में ऐसे विभाजित किया जाता है कि पहले भाग को किया जाता है कि पहले भाग को 3% की दर से तथा दूसरे भाग को 5% की दर से दिया जाता है, 5% की दर से दिया जाता है। आगे क्या लिखा है, दोनों भागों से, आगे चलते चलिए आप लोग। तो यहाँ लिखा है दोनों भागों से एक वर्ष में प्राप्त SI 144 रुपये हो तो प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी, हो तो प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रेंड्स, आप सभी ने क्वेश्चन देख लिया। अब आप जरा यहाँ क्वेश्चन के बारे में बात करिए। अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ तो निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट कर लेना भाई। तो पहला काम तो आप इसे इम्पॉर्टेंट कर दीजिए, बोले कर लिया आपने। अब जरा क्वेश्चन के नेचर को समझने की कोशिश कीजिए कि कोई व्यक्ति वो 4000 रुपये यहाँ पर ले रहा, वो ठीक है, और इस 4000 रुपये को करता ये कि दो भागों में वो विभाजित करता, कितने भागों में, दो भागों में, इस प्रकार से कि पहले भाग को 3% की दर से और दूसरे भाग को 5% यानी 5% की दर से दिया जाता है। दोनों भागों से एक वर्ष में प्राप्त जो SI है, यानी टोटल SI दोनों भागों का 144 रुपये हैं, तो प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी, यह आप लोगों का क्वेश्चन है। देखो, ऐसे सवाल जब भी आएंगे मेरे सूरवीरों, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, मैं एकदम आसान सा तरीका आपको सिखाता हूँ, बस रूल ऑफ एलिगेशन, मिश्रण का नियम लगाओ और सारी ज़िंदगी ऐश करो। देखो कैसे, पहले भाग को 3% लिखा है ना, वो 4000 है, ठीक, रहने दो, हम बाद में यूज़ कर लेंगे, तो राशि है टोटल, तो पहले भाग को 3%, तो केवल 3 लिखना, प्रतिशत लिखने की आवश्यकता नहीं। दूसरे भाग को 5%, तो 5 लिखना, क्योंकि बटे 100 100 कैंसिल हो जाना है। मिश्रण का नियम लगा रहा हूँ, रूल ऑफ एलिगेशन,
अब ये वाला रूल पता होता तो हमारा काम हो जाता। इसके लिए देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि दोनों भागों से प्राप्त एक वर्ष में एसआई 144 है। हमें बताओ कि जब एसआई निकालते हो तो पीआरटी बटे 100 यूज़ करते हो, तो पी हो जाएगा 4000 गुड़े आर गुड़े टी एक साल है डियर। तो यहाँ बटे 100 करिएगा बराबर 144, बोले लिख सकते हैं आप लोग। तो बिना किसी कन्फ्यूज़न के आप यहाँ से इसे कैंसिल आउट कर दो मेरे भाई। देखो ये इसे समझना कि एक्चुअली ये हो जाएगा 4 × 10 = 40, तो 4 × 10 × r अब बराबर देखो 144 होगा। अब इस 4 से इसे काट दो, तो 4 से काटोगे तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा और 4 × 6 = 24 हो जाएगा। तो 10r बराबर अगर आपका 36 है तो बोलो r बराबर 3.6 होगा कि नहीं होगा। ये क्या होगा औसत आर, यहाँ पर लिखना 3.6 के। ओके, अब आप लोगों को एक बात सिखाया हूँ कि इन दोनों में बड़े में से छोटा घटाओ बराबर उत्तर पाओ। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 − 3.6 = −3 होगा। आगे जब इसे आप घटाइएगा तो हमें बताइए कि कितना आने वाला आपका। 5 में से घटा दोगे तो आपके पास आएगा 1.4 × यहाँ से 0.6 होगा। दोनों पर एक एक अंक पे दशमलव तो अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्यों भाई होगा ना। तो ये आ जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा 3, तो 7 × 3 तो आपका रेशियो आ गया 7:3 के। डियर स्टूडेंट्स, 7 और 3 को आपस में ऐड कर दो बराबर 10 यूनिट हो जाएगा। आप लोगों से प्रत्येक भाग की राशि पूछी गई है तो टेंशन मत लीजिए, सीधे ये कह दीजिएगा कि चूंकि ये जो हमारा 10 यूनिट है और यही 10 यूनिट बराबर कितने के होगा बोलो, 4000 रुपये के। तो यहाँ पर आप लिखिएगा 4000 रुपये। मुझे ये बताओ कि इसलिए 1 यूनिट बराबर, तो 1 यूनिट बराबर ये फ्रेंड्स आप काट दोगे तो 400 आ जाएगा। तो देखिए ना, एक यूनिट की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है, 400। अब आप बड़े प्यार से अपना उत्तर दे सकते हो क्योंकि पहले भाग की राशि है 7 यूनिट के, ठीक है, और दूसरे भाग की राशि है 3 यूनिट के। तो ऐसे केस में देखो 7 × 4 = 28, तो ये 2800 रुपया राशि हो जाएगी पहली वाली और 4 × 3 = 1200 रुपया हो जाएगा दूसरी वाली, और ये दोनों ही आपके कंप्लीट क्या होंगे, आंसर होंगे। क्या समझ में आ गया सभी लोगों को, तो आप अच्छी तरीके से सवाल को देख लीजिए, कोई डाउट हो तो हमें ज़रूर बताइए। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, बेहतरीन मेथड है। हमने जनरल मेथड की ज़रूरत नहीं समझी क्योंकि हमें, आपको पता है ना कि जल्द से जल्द हम जिस मेथड को लगा पाएँ हमें उसी का प्रयोग करना है। चलिए आप जल्दी उतार लीजिए ताकि मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन अब करा सकूँ। चलिए भाई तैयार हो जाइए सब लोग अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर अब आएगा अपने पास 35। देखो चैप्टर एक भी हल्के में नहीं लेना है क्योंकि आपको पता है नहीं कंपटीशन वाले क्या करते हैं, बदमाशी करते हैं। जिस चैप्टर को आप हल्के में लेके चलते हो पता चले वहाँ से सवाल आ गए तो फिर आप फंस जाते हैं। और आपको ये अच्छे से मालूम है कि कंपटीशन में एक एक क्वेश्चन की कितनी वैल्यू होती है, और सबसे कष्टकर तो वो क्षण होता है जब किसी विद्यार्थी का सिलेक्शन एक नंबर से रुकता है, वो ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो। तो इस नाते हर चैप्टर पर आपको एक अच्छी पकड़ रखनी है, तैयारी बेहतर करना है आपको, और 35वां सवाल अब लिखना है। क्वेश्चन नंबर 35 ये है फ्रेंड्स, आप लिखिए। लिखा गया 2500 रुपये, तो 2500 रुपये की राशि को दो भागों में, 2500 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा बांटा कि पहले बांटा गया कि पहले भाग को पहले भाग को 5% और पहले भाग को 5% और दूसरे भाग को 7%, ठीक है, और दूसरे भाग को 7% की दर से दिया जाता है, 7% की
दर से दिया जाता है। ठीक है भाई, दिया जाता है दोनों भागों से दो वर्ष में। आगे चलो तो लिखा गया दोनों भागों से दो वर्ष में कुल SI यानी टोटल सिंपल इंटरेस्ट 265 रुपये क्या है मिला हो तो प्रत्येक भाग की राशि ज्ञात कीजिए। मिला हो तो प्रत्येक भाग की राशि ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन लिख दिया आपने। अब आपने इस बार देखा होगा, इस बार बिल्कुल हम लोग समय नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन बिल्कुल पिछला है। जो राशि बांटी जानी है वो कितनी है बोलो एक बार, 2500 है। अगर वो 2500 है तो ये भी आपको पता है कि दो भागों में बांट रहे हैं, इनको बांटने दो। पहले भाग को कितना दिया 5%, दूसरे को कितना दिया 7%। यहाँ से कहते हैं दोनों भागों से कितने वर्ष में, दो वर्ष में। पिछले में कितना था, एक वर्ष। दो वर्ष में टोटल SI कितने आ गए हैं, 265 रुपये आ गए। प्रश्न ये किए गए प्रत्येक भाग की राशि कितनी होगी, यानी 2500 में से पहले वाले हिस्से में कितना दिया गया और दूसरे वाले हिस्से में कितना दिया गया, यही आपका सवाल है। ठीक है, देखो कैसे लगाओगे। वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, यानी रूल ऑफ एलिगेशन, मिश्रण का नियम लगाइए। प्यारा सा रूल है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहला वाला भाग 5% है तो यहाँ 5 लिखना, 7% है तो यहाँ कितना लिखोगे 7। ये औसत चाहिए, कैसे निकलेगा, SI बराबर PRT, तो P आपका हो जाएगा 2500, R गुणे T कितना है 2 साल, तो PRT बटे 100 और बराबर लिखिएगा 265 के। ठीक है, यह 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर लो आप लोग। जब 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर लोगे तो आपके पास ही हो जाएगा 25 दूनी 50। ठीक है, तो देखो 25 दूनी 50 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसलिए R बराबर 265 बटे, तो ये जो 25 दूनी 50 मैं कह रहा हूँ इसको मैं लिख देता हूँ 5 गुणे 10। इससे देखो काटना आसान हो जा रहा है ना, तो इसको काटोगे 5 25 25 आ जाएगा, 1 26 5 3 15, बहुत अच्छे, मज़ा आ गया। 10 से भाग करना है तो आपको पता नहीं हो जाएगा 5.3 के। ठीक, तो यहाँ लिख देना 5.3 के आ गया। ओके मेरे भाई, यहाँ तक तो कोई डाउट तो नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जरा बोलना भाई, शर्माना बिल्कुल नहीं। तो ऐसे केस में अब क्या करो, बड़े में से छोटा घटा दो। मुझे ये बताओ कि अगर ये 7 है तो डिस्टेंट, अगर 7 में से 5.3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1.7 आएगा, बोलो यस आर नो। अरे भाई 7 × 10 = 6, 7, और यहाँ पे 5.3 में से 5 घटाओगे 0.3 आ जाएगा। दोनों पर एक एक अंक पे 0.0 कुछ कटने के लायक नहीं है, तो हमारा जो रेशियो बनेगा 17:3 का, 17:3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ओके, अब आपसे पूछ रहा है प्रत्येक भाग की राशि बताना है, टेंशन मत लेना। तो ये कह देना कि चूंकि इसके बाद ये हमारा 20 यूनिट होगा और ये 20 यूनिट बराबर आएगा 2500 के, 2500 के। डिस्टेंस आप सभी लोग जानते हो, जब इससे काटोगे 0 0 कट गया और ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 2 2 2 4 2 5 10, इसलिए एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वह 125 आ जाएगी, बोलो आएगी। अब आपको प्रत्येक भाग की राशि बताना है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, सीधे उत्तर देना आपको। पहले भाग में आपके पास 17 यूनिट है और दूसरे भाग में कितना भाई, ये 3 यूनिट है। अब फटाफट आप आंसर दो, यहाँ से देखो 17 का गुणा इसमें करोगे तो भाई 17 × 5 = 85 कैरी हो गया 8, 17 × 2 क्या होगा 34, 34 और 6 कितना होगा 34 × 6 = 42, मतलब 2 कैरी 4 होगा, 17 × 17 = 21, मतलब 2125 रुपया तो पहले भाग की राशि हो गई, 125 × 375 रुपया ये दूसरे भाग की राशि हो गई
और यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक बार बोलिए सब लोग, समझ में आ गया सबको? अगर आ गया है भाई तो बहुत ही अच्छी बात, हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्लियर है? चलिए फटाफट मेरे सूरवीरों इसे आप लोग उतार लीजिए, फिर मैं जस्ट आगे चलता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें डिस्कस करना है और देखता हूँ कि आपके लिए अगला क्वेश्चन क्या होगा। बहुत मज़ेदार है, इसको थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर के आराम से करिए। इसी नाते मैंने इसको थोड़ा सा आराम आराम से धीरे धीरे आपको पढ़ाया भी है, क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो लॉन्ग मेथड में आपका समय बहुत चला जाता है और ऐसे प्रश्नों के उत्तर निकालना मुश्किल होगा। चूँकि आपका अपना कॉन्सेप्ट 3 से लेकर 15 सेकेंड हमें उत्तर देने, ये तभी हुआ जब आपकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो। सिर्फ कहने से तो होगा नहीं भैया, करने से होगा। करते हैं 36वां सवाल। अब मैं ये देखूँगा कि 36 नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा गया। चलो 36वां सवाल देख लेते हैं। 36 को भी इम्पोर्टेंट करो, यहाँ रुपये 2600, तो हमने रखा कि 2600 रुपये को दो भागों में, ठीक है, को दो भागों में, को दो भागों में इस प्रकार बांटते हैं, ठीक है, इस प्रकार बांटते हैं कि पहले भाग को, फटाफट लिखते रहिए भाई सब लोग, कि पहले भाग को 10% की दर पर, तो पहले भाग को 10% की दर पर 5 वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष के लिए, और दूसरे भाग को 9%, ठीक है, तो लिखिए और दूसरे भाग को 9% की दर से 6 वर्ष, तो 9% की दर से 6 वर्ष के लिए दिया जाता है, 6 वर्ष के लिए दिया जाता है। आगे लिखा यदि दोनों भागों से प्राप्त, बहुत अच्छा सवाल, यदि दोनों भागों से प्राप्त SI बराबर हो, SI बराबर हो, बराबर हो, तो प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी, यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया। मैं आपको बताऊं कि जब इस तरीके का सवाल आपके सामने आएगा, सवाल आप सबने मेरे साथ पढ़ भी लिया, लिख भी लिया, आपके पास सवाल पहले से भी है, तो वो सारी बातें आपकी क्लियर है। चलिए अब मैं सीधे आपको प्रोसेस समझाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे देखो, घटना को समझो कि एक व्यक्ति है, उसके पास 2600 रुपये है, ठीक है, वो दो भागों में इसको बांटना चाहेगा, बांटने दिया जाए, पहले भाग को 10% की दर पर दे रहा है और कितने समय के लिए, 5 वर्ष के लिए, ठीक है भैया, दूसरे भाग को 9% की दर से दे रहा है, वो 6 सालों के लिए दे रहा है भाई। लेकिन देखो डियर स्टूडेंट, सबसे मज़े की बात क्या आई, दोनों भागों से प्राप्त SI क्या है, एक बार बराबर है, क्या है, बराबर है, तो प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी, ये आपका प्रश्न आ गया। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे हम डिस्कस करेंगे ये समझना आपको। अगर यहाँ प्रश्न की बात करता हूँ मैं, तो एक चीज़ तो मेरे समझ में आ गई कि दोनों केस में SI1 और बराबर SI2 है। बोलो यस आर नो, SI1 बराबर SI2 हो तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, और देखो ऐसे सवाल जब पाना तो कहना P1 अनुपात P2 बराबर। हम जनरल मेथड भी लगा सकते थे, आवश्यकता नहीं है, आसान सा मेथड आप उसका प्रयोग करिएगा। ये आएगा 1 अपान R1T1 अनुपात 1 अपान
R2T2। हमने कोई फार्मूला नहीं बताया डियर स्टूडेंट्स, बस इसी का विस्तार करके पक्षांतर करोगे तो यही आएगा, और चाहे जितने होंगे आपका फटाफट उत्तर आता चला जाएगा। अब देखिए ना कितने आराम से आप उत्तर निकाल लोगे, क्योंकि अगर रेशियो पता है आपको तो रेशियो दे दो उत्तर ले लो, सीधा सीधा समझौता है। तो ऐसे केस में रेशियो दे करके उत्तर लेना आपको। तो मुझे इतना क्यों नहीं आप लोग बता देते कि जब बराबर हल करूँगा तो वन अपान पहला R1 कहाँ गया, ये 10% 5 वर्ष, तो यहाँ लिखो 10 × 5 और ये 1/2 दूसरा कितना भाई 9% 6 वर्ष, तो 9 × 6 है। ठीक है, देखो अगर थोड़ा कटने पिटने का चांस हो तो काट दो, तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, तो सच में ये बराबर आप सबका आ गया 1/5 × 25 = 25 और ये हो जाएगा 1/9 = 27 के। ये कैसे चेंज होगा सबको पता है ना, 1/25 × 27/1, तो यानी जस्ट आपका क्या हो जाना है, ये उल्टा हो जाएगा, यानी आ जाएगा 27:25 रेशियो। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, 27 25 दोनों को आपस में जोड़ के बोलिए कितना आएगा, 52 आएगा, तो अपना उत्तर आ जाएगा। कैसे, ऐसे कहिएगा कि चूँकि जो हमारा ये 52 यूनिट है, इकाई है, भाग है, एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स वो 2600 के बराबर है, तो यहाँ आप लिखें 2600 के, इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि एक यूनिट बराबर कितने के होगा। तो एक यूनिट बराबर आप ही लोग बताइए कि बहुत करते थे भाई 26 × 26 यानी 100, 26 × 52 होता, 2 × 5 = 10 यानी 50 के, तो एक यूनिट का मान आपने निकाल लिया 50 के। अब थोड़ा ताम अजय, ठीक है ठीक है, जो पूछना हो पूछ लो आपको, मैं आपके हर सवाल का जवाब दे दूंगा। तो अगर आप हर सवाल का जवाब देते हो तो ये कहता है ये ज़्यादा बनिए मत, हर भाग की राशि बता दो। आपने कहा ले लो उत्तर ले लो। कैसे, ऐसे मुझे ये बताओ, पहले भाग में 27 यूनिट है और दूसरे भाग में कितनी है, 25 यूनिट। ठीक है, बोलो भाई 5 के गुणा कर लो, एक जीरो बढ़ा करके, तो 5 × 7 = 35 हो जाएगा, और 35 मतलब कैरी 3 होगा, 5 × 10 = 13, पहले भाग की राशि हो गई 1350, और ये 25 × 25 = 125 मतलब 1250 होगा। यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्या उम्मीद करूँ सबको समझ में आ गया भैया, कोई डाउट तो नहीं किसी के पास है, यदि होगा तो लगा मेथड आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आगे चल सकता हूँ, ओके भाई। चलिए अब आप लोग अपने अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए, यानी मैं आपके लिए अब 37 नंबर का सवाल लूँगा, और ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा तो आप इसे करते रहिए। ऐसे सवाल जब भी आपको मिलेंगे आप सब परीक्षा में लगा के आओगे, इसी उम्मीद से मैं इसको आपको कराते चले जा रहा हूँ। ठीक है भाई, चलिए अब मैं ये देखूँगा कि 37 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। चलो भाई 37 की बातें कर लेता हूँ। 37 यार इसी नेचर का है, कोई बात नहीं। यहाँ रुपए लिखा है 1500, तो लिखिए मेरे साथ, तो ये हो गया 1500 रुपये की कोई, तो 1500 रुपये की कोई धनराशि दो भाग में इस प्रकार, दो भाग में इस प्रकार उधार दी जाती है, इस प्रकार उधार दी जाती है कि एक भाग पर, दी जाती है कि एक भाग पर 10% वार्षिक की दर पर, तो 10% वार्षिक की दर, 10% वार्षिक की दर से 5 वर्ष का, दर से 5 वर्ष का SI, ठीक है, दूसरे भाग पर 12.5%, तो दूसरे भाग पर 12.5% 12.5% वार्षिक की दर से
वार्षिक की दर से 4 वर्षों के एसआई के बराबर है। ठीक है भैया, तो 4 वर्षों के एसआई के बराबर है, यहाँ तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। तो कहते हैं तो 12.5% 12.5% पर उधार दी गई राशि का मान कितना होगा। ठीक है भाई, देखिए ये क्वेश्चन आप सबने लिख लिया, तो एक फिर से प्यारा सा प्रश्न है, प्रश्न बिल्कुल वही जो आपने पिछला समझा है। तो मेरे सूरवीरों जोश और उत्साह से बने रहिए और देखिए सवाल को, आपको कॉन्सेप्ट अभी सिखाया हूँ कि ऐसा सवाल पाना तो फटाफट लगा देना P1 अनुपात P2 बराबर। क्या सिखाया हूँ, 1/R1T1। देखो भाई 1500 रुपया है, कोई दिक्कत है नहीं, उधार दी गई, देने दो इनको, पहले भाग पर 10% लेंगे ये, और ये जो 10% है वो कितने साल के लिए बोलो एक बार, 5 साल के लिए है। तो यहाँ से करिएगा 10 × 5, फिर दूसरे भाग पर बोलो कितना आएगा, ये है 12.5% और 4 सालों के लिए है। तो 12.5 × कितना करोगे, 4, मज़ा आ गया, हो गया, बोलो 10×5 50 और 12.5 50 50×50 खेल ख़त्म। तो ये रेशियो कितना आया, 1:1, दोनों को ऐड कर दो कितना आया, 2। अरे यार क्या लगाना, 1500 2 बराबर हिस्सों में बटेगा तो हर भाग कितने का होगा, 7.5 के होगा। तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधे लिखो 1/5 × 1500, क्या काटना पीटना, 750, ये होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्या कहते हैं आप लोग, खुश है ना भाई, सवाल लग गया आप सबका। चलिए क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, हमें आपके अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहिए। जल्दी से इसे आप कॉपी करिए ताकि मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन करा पाऊँ। बस बहुत ही इजी मेथड है इन सब के लिए, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा तामझाम से बचना होगा, ईमानदारी से आपको अपने ऑफलाइन स्टाइल में सवालों को समझना होगा। हो करने में बेटा बहुत नुकसान हुआ आप लोगों का, कम से कम वो चीज़ें मत करिए, बहुत रिलैक्स मोड में एक एक चीज़ को समझिए। एक बार जो सवाल समझ लिया ताकि दोबारा वो आपकी आँखों के सामने से जब भी गुजरे तो आप उसे सही कर ले जाएं, यही पढ़ने और पढ़ाने का मतलब है। और आजकल जो कुछ पढ़ा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, जिस स्टाइल में आप सब बेहतर समझ पा रहे हैं, आप तैयार कम हो रहे हैं, बिगड़ ज़्यादा रहे हैं। इसी बात पे मैं अब आपके लिए अगला क्वेश्चन कराऊंगा। एक बहुत ही खूबसूरत सवाल है, इसे आप सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट करें। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 38 लेता हूँ, 38वां लिखा है यहाँ पे 38 नंबर पे कि रुपये है 18,600 की राशि को, तो 600 रुपये की राशि को 3 भागों में, की राशि को 3 भागों में इस प्रकार बांटते हैं, 3 भागों में इस प्रकार बांटते हैं कि प्रत्येक भाग को ठीक है, प्रत्येक भाग को 10% वार्षिक एसआई, तो प्रत्येक भाग को 10% वार्षिक एसआई की दर से क्रमशः एसआई की दर से कंटिन्यूड यानी क्रमशः, क्या लिखा है, 2 वर्ष 4 वर्ष और 5 वर्ष 5 वर्ष के लिए दिया जाता है, 5 वर्ष के लिए दिया जाता है। ठीक है, यदि सभी भागों से प्राप्त, फटाफट लिखते जा, यदि सभी भागों से प्राप्त मिश्रधन
है ना। मिश्रधन क्या है? बराबर हो या समान हो। मिश्रधन बराबर हो, मिश्रधन बराबर हो तो प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी। ठीक है, सवाल तो सभी को क्लियर है। ये देखिए, आपके पास एक अच्छा लेवल का सवाल है। अगर इस तरीके क्वेश्चन की बात करता हूँ तो आपको इसे इम्पोर्टेंट करके समझना है। पहले तो क्वेश्चन का नेचर समझिए। क्वेश्चन का नेचर ये कहता है कि कोई एक व्यक्ति है जिसके पास 18,600 रुपए की राशि है और वो उसको कितने भाग में डिवाइड कर रहा है भैया? तीन भागों में। तो तीन भागों में ऐसे बांटेगा वो कि प्रत्येक भाग पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 10% का। क्लियर है बात? वो 2 साल, 4 साल, 5 वर्ष के लिए वो देता है। अगर सभी भागों से प्राप्त मिश्रधन क्या है भाई? बराबर है। अगर मिश्रधन बराबर है तो कहता है प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी। फ्रेंड्स, इसका मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ, आप जनरल मेथड से मुक्त रहोगे और मज़े से आपको याद आ जाएगा। यहाँ लिखना, यदि मिश्रधन, ठीक है, तो यदि मिश्रधन समान हो या बराबर हो, यदि मिश्रधन समान हो तो क्या होगा? तीन भाग है, चिंता मत करो। तो P1 अनुपाते P2 अनुपाते P3 बराबर 1/, मिश्रधन मूलधन में जोड़ के आता है, इस नाते फ्रेंड्स 100 प्लस R1T1 अनुपाते 1/100 प्लस हो जाएगा R2T2 और अनुपाते 1/100 प्लस होगा R3T3। इस कॉन्सेप्ट को, ये नहीं कि आपको याद करना, कुछ करना नहीं, बहुत आराम से आपका ये हल हो जाएगा। देखिए कैसे। अब ये तो ठीक है, पैसा हम बाद में इसको बांटेंगे, वो हमारी चिंता का कारण भी नहीं है। कहते हैं कि 10% यानी सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 10% हो गया। कम से कम एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, वो चाहे जिस साल देगा ब्याज 10% लेगा। टाइम सबका क्लियर है, 2 साल, 4 साल, 5 साल। तो यहाँ T1 का मान 2 हो गया, T2 का मान देखो 4 हो गया और T3 का मान कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, चलो तो ये हम लोग इससे लिख सकते हैं 1/10 दुनी 20, 100 में 20 जोड़िएगा तो 120 हो जाएगा। अनुपाते देखिए ना, 10 चौक 40, 100 में जोड़ दीजिएगा तो 140 आएगा। ऐसे आप इसे हल करिएगा तो 10 पच्चे 50 हो जाएगा तो 150 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को? सबका एक एक जीरो कैंसिल कर लीजिएगा। अब आपके पास जो रेशियो निकल करके आता है भाई, तो वास्तव में ये हो जाएगा 1/12, फिर होगा 1/ कितने के? 14, और 1/15 हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसको हल करेंगे तो आप सबों को पता है कि ऐसे केस में हमें इसका एलसीएम लेके गुणा करना है ताकि ये पूर्णांक में आ जाए। तो एलसीएम कितने आएंगे भाई? 420 आ रहे होंगे। तो इसको हल करोगे तो देखो हो जाएगा, ये पहला रेशियो 12 × 3 = 36 हो जाएगा। तो 12 × 3 = 36 है ना, अच्छे 42, 12 × 5 = 60 यानी ये 35 आ गया। ठीक है, ऐसे 14 से काटोगे, 14 × 3 = 42 तो ये तो झटके में 30 हो गया। इसको 15 से किया जाए तो यार 15 × 2 = 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 15 × 2 = 30 = 10 = 40, 15 × 8 = 120। हाँ ठीक है, ये देखो फ्रेंड्स, आपका रेशियो निकल के आ गया 35 × 30 = 28। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? सवाल सबने लिख रखा है ना, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, ज़रा ऊपर सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि जगह कम पड़ गई। अब अगर आपने यहाँ रेशियो की बात कर ली है तो रेशियो आप सभी लोगों के पास बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना होगा। तो रेशियो हमारे पास आया, चूँकि P1 × P2 × P3 बराबर, यह रेशियो आया था 35, 30 और 28 का। ठीक है, ज़रा इसको जोड़ दो, अनुपाती योग आ जाए, क्योंकि हम लोगों को प्रत्येक भाग की राशि बतानी है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8, 5, 13 × 3, 3, 6, 3, 9, 93 आ जाएगा। अब आप लोग ये बताओ कि आपके पास आएगा 93 यूनिट, तो 93 यूनिट बराबर, रुपया कितना दिया था? 18,000 कितना था भाई?
रुपए हमको दिए गए थे 18,600, ठीक है, तो 18,600 दिया गया था। डियर स्टूडेंट सभी लोग बताओ 93 दूनी 186 होगा, इसलिए जो वन यूनिट निकल के आया ये बराबर हमारे पास 200 रुपए के आ गया। अब आप थोड़ा ताव आ जाए, ठीक है जो पूछना हो पूछ लो, मैं आपको आपके हर सवाल का जवाब दे देता हूँ। तो इन्होंने कहा तीनों भाग बताओ, तो यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ मैं P1 बराबर, ये हो गया P2 बराबर और ये हो जाएगा P3 बराबर। यहाँ P1 का पास का जो रेशियो है वो है 35 यूनिट का, ये होगा 30 यूनिट का और ये है 28 यूनिट का। बताओ यहाँ से 35 दूनी 70 यानी ये हो जाएगा 7,000 रुपये, ठीक भैया, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 मतलब 6,000 रुपया, यही तो होगा ना, ओके, और ये होगा 28 दूनी 56 तो 28 दूनी 5600, इसका मतलब ये है आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कोई डाउट तो नहीं आप सबको, बहुत बड़ा सवाल था, वैसे भी इसमें तीनों भागों की राशि पूछी गई है तो तीनों आपने निकालना सीख लिया। परीक्षा में एक भाग की राशि पूछेगा तब भी आपको उत्तर आएगा, दो का पूछेगा तब भी, तीन का पूछेगा तब भी आ जाएगा, है ना भाई, क्लियर है सबको। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। चलो भाई आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं तक करते हैं, इसके बाद हम आपको आपकी अगली क्लास यानी क्वेश्चन नंबर 39 से मिलेंगे। तब तक आप सभी लोग अपने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।